Hello everyone, welcome to Packens.com. Today I'm going to tell you about the IELTS speaking section. अब हमने जो इससे पहले lectures थे उसके अंदर I was covering the task one. Task one was the task in which part one, to be specific, part one in which they were asking about your family, your education, about your physical appearance and all those things. अब ये है टास्क टू. टास्क टू उसके अंदर वो आपको टॉपिक्स देंगे. अब जो पहला टॉपिक मैं आज हम कर रहे हैं वो है फेवरेट पर्सन इन द फैमिली. आपका पसंदीदा इंसान आपकी फैमिली के अंदर, हु इज़ द पर्सन, कौन सा इंसान है जो आपको सबसे अच्छा लगता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं आपका भाई, आई लाइक माई ब्रदर द मोस्ट, और माई फेवरेट पर्सन इन द फैमिली इज़ माई ब्रदर. वाई डू यू लाइक द पर्सन, ये इसका मतलब है कि आपको ये इंसान क्यों पसंद है. आप ये कह सकते हैं आई लाइक माई ब्रदर अलॉट बिकॉज ही इज वेरी नाइस टू मी एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर माई प्रॉब्लम्स, और ही ऑलवेज सॉल्व्स माई प्रॉब्लम्स. वो मेरे हर मुश्किल वक्त में, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी इन माई हार्ड टाइम्स, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ देता है और मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ये मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा कोई भाई है नहीं वैसे, मैं ये दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से कहना होता है. व्हाट इम्पैक्ट डज दैट पर्सन हैव ऑन यू. अच्छा, इम्पैक्ट का मतलब है कि वो जो इंसान है उसका, वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके ऊपर. जैसे आप ये कह सकते हैं माय ब्रदर इज़ अ वेरी करेजियस मैन. आफ्टर looking at him or after knowing him, I also became a courageous man and he is also a very soft-hearted person. He has a very kind heart for the people who are needy and who are poor. So I also have decided to become a similar kind of person. ये कि उसकी बहादुरी या उसके अच्छे होने की वजह से I have also started to become a good person. Why is the person important? अच्छा, अब ये आ रहा है कि वो ये इंसान आपकी फैमिली के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है. माई ब्रदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली बिकॉज ही गाइड्स मी, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद मनी. जो भी आपका है, आपके भाई की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही ऑल्सो गिव्स मी गाइडेंस एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इसके अंदर आपका ये आएगा कि आपने ये सारी चीज़ें, वो क्वेश्चंस आपसे, अगर ये टॉपिक आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो आपने आंसर करने होंगे. अब ये हुआ है पार्ट टू. जो अगला लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको फॉलो अप क्वेश्चन दूंगा कि ये जो फेवरेट पर्सन द फैमिली है उसके, ये तो आपको दे देगा प्रिपेयर कार्ड के अंदर. उसके बाद जब वो आपसे पूछेगा और क्वेश्चन, वो कौन से होंगे, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक.